असला डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माय नेम इज राय मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 10th आज हम स्टडी करेंगे कन्वेंशनल करंट के बारे में कि कन्वेंशनल करंट क्या होता है तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ सो चैप्टर नंबर 14 दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड द सब टॉपिक दैट इज कन्वेंशनल करंट सो कन्वेंशनल करंट क्या है जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में, last lecture में स्टडी किया था कि करंट मैटल केस में फ्लो करता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस के साथ जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होती है उनकी बॉन्डिंग बहुत वीक होती है तो जैसे ही आप उसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और हम कह सकते हैं कि वहां पर करंट फ्लो कर रहा है क्लियर सो so, हमने ये कहा कि मेटल के केस में करंट फ्लो करता है ड्यू टू द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब जब ये कंसेप्ट नहीं था जब लोगों को इसके बारे में नहीं पता था तब एक कन्वेंशन लोगों ने सेट की हुई थी कि करंट फ्लो करता है ड्यू टू द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ओके सो अब क्योंकि ये एक कन्वेंशन सेट थी कि करंट फ्लो करता है ड्यू टू द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस दैट्स वाई तब ये कहा जाने लगा कि करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल इसे कहा जाता है कन्वेंशनल करंट क्योंकि एक कन्वेंशन सेट कर दी गई थी जो कि आज भी यूज की जा रही है कि करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल दैट्स वाई वी कॉल इट एज कन्वेंशनल करंट नाउ द क्वेश्चन इज कि ये कन्वेंशन क्यों सेट की गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ समॉज लाइक फॉर एग्जाम्पल हीट एनर्जी फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर क्या लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक स्पून है लोहे का आप उसको एक एंड से गर्म करना शुरू करें तो जिस एंड से आप गर्म करेंगे वो एंड पहले गर्म हो जाएगा और जैसे ही वो गर्म होगा आहिस्ता आहिस्ता हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी दूसरे एंड की तरफ और थोड़ी देर बाद उसका दूसरा एंड भी गर्म हो जाएगा ओके okay? जब एक एंड गर्म होगा तो थोड़ी देर बाद दूसरा एंड भी गर्म हो जाएगा दैट्स वाई हीट एनर्जी जो है वो फ्लो कर रही है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर क्योंकि ये जगह गर्म हो गई ये हायर टेम्परेचर ये जगह कूल थी दैट मीन लोअर टेम्परेचर सो हीट एनर्जी मूव कर रही है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर लेकिन जैसे ही दोनों तरफ के टेम्परेचर बराबर हो जाएंगे सेम हो जाएंगे तो हीट फ्लो करना बंद हो जाएगी क्लियर तो हीट फ्लो करना रुक जाएगी सिमिलरली एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं लाइक वाटर फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल वाटर जो है वो ऑटोमेटिकली हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करता है सो so, इन एनोलॉजी के थ्रू क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो हायर पोटेंशियल है और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो लोअर पोटेंशियल है तो दैट्स वाई ये कहा जाने लगा कि करंट फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल सो दैट्स वाई ये एक कन्वेंशन सेट कर दी गई थी इसीलिए इसे कहा जाता है कन्वेंशनल करंट क्लियर सो करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल और करंट भी तब तक फ्लो करता रहता है जब तक उस हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल में एक डिफरेंस होगा और जब तक वो डिफरेंस मेंटेन रहेगा तब तक करंट फ्लो करेगा और जैसे ही वो डिफरेंस खत्म हो जाएगा मीन्स के दोनों टर्मिनल्स पर पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो वहां पर करंट फ्लो करना रुक जाएगा क्लियर नाउ द डेफिनेशन ऑफ कन्वेंशनल करंट एज वी डिस्कस कि कन्वेंशनल करंट क्या है कि करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल सो करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द Negative terminal due to the flow of positive charges is called. कन्वेंशनल करंट ओके सो द करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट लेकिन एक्चुअली में करंट फ्लो किसकी वजह से करता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब कन्वेंशनल करंट जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा है एंड ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस सो इसका जो अफेक्ट होगा सेम ऐसे ही अगर करंट फ्लो करता है लाइक फॉर एग्जांपल नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस तो इसका भी इस केस में भी सेम इफेक्ट होगा क्लियर तो बहुत केसेस में इफेक्ट जो है वो सेम होता है लेकिन एक्चुअली में करंट फ्लो करता है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल दैट मींस के ड्यू टू द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्लियर बट क्योंकि हमने यहां पे कन्वेंशन सेट कर दी है कि करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टर्मिनल टू टू द द नेगेटिव एंड ड्यू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज कन्वेंशनल करंट क्लियर नाउ द मेजरमेंट ऑफ करंट आप करंट को किस तरह से मेजर कर सकते हैं सो so, हमारे पास टू इंस्ट्रूमेंट्स हैं करंट को मेजर करने के एंड दैट आर गलवानोमीटर द फर्स्ट वन इज गेलवानोमीटर एंड द सेकेंड वन इज एम मीटर लाओ वाट इज गेलवानोमीटर के गलवानोमीटर क्या है और ये किस तरह से करंट को मैय करता है सो गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर एक बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है और यह बहुत ही स्मॉल करंट्स को मेजर कर सकता है ओके सो गैल्वानोमीटर इज अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट एंड यूज टू मेजर Small currents, small currents, few milliampere current, ampere current is sufficient. कॉज फुल स्केल डिफ्लेक्शन इन इट ओके सो आप स्क्रीन पर ग्रेवानोमीटर देख सकते हैं तो ग्रेवानोमीटर जो एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है और ये स्मॉल करंट्स को मैयर कर सकता है और इसके अलावा फ्यू मिली अम्पेयर करंट अगर हम फ्यू मिली एम्पेयर करंट इसमें से पास करें तो ये सफिशेंट होता है इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए ओके सो द थिंग इज के इसके टर्मिनल्स जो हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड और ब्लैक टर्मिनल्स हैं तो बेसिकली रेड और ब्लैक जो है बेसिकली पोलैरिटी को शो कर रहे होते हैं रेड शोज ऑलवेज पॉजिटिव पोलैरिटी एंड ब्लैक शोज के नेगेटिव पोलैरिटी और इस तरह से हम इन पोरिटीज को अटैच करते हैं किसी भी सर्किट में जिसमें आपने करंट मैयर करना है और हम इजीली उसका करंट मैयर कर सकते हैं ओके सो गोमीटर को नॉर्मली ये कहा जाता है कि इट इज यूज टू डिटेक्ट द पैसेज ऑफ करंट ओके बिकॉज क्योंकि ये लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मैयर नहीं कर सकता सो दैट्स फाइ इसको हम कहते हैं इट इज यूज टू डिटेक्ट द पैसेज ऑफ करंट डिटेक्ट पैसेज ऑफ करंट क्लियर नाउ वट इज आइडियल गेवानोमीटर आइडियल गेवानोमीटर क्या होता है आइडियल गेवानोमीटर में जो रिजिस्टेंस लगी होती है वह बहुत स्मॉल होती है जिसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट जो है वो पास हो जाता है सर्किट में ओके सो डिफाइन एड Has a small resistance that allows maximum current to pass. द सर्किट सिमिलरली एम मीटर एम मीटर जो है कि बेसिकली फर्दर मॉडिफिकेशन है गेलवानो मीटर की और एम मीटर से आप लार्ज अमाउंट ऑफ करंट भी मयर कर सकते हैं सो एम मीटर यूज टू मयर लार्ज करंट्स, सच एज वन अंपेयर और टेन एंपेयर क्लियर तो एम मीटर से आप लार्ज करंट भी मैयर कर सकते हैं जैसा कि वन अंपेयर करंट और 10 अम्पेयर करंट भी आप इसे इजीली मैयर कर सकते हैं नाउ गलवानम या एम मीटर को आप किसी भी सर्किट में किस तरह से कनेक्ट करते हैं कि हम किसी भी जगह पे कर हम करंट मैयर कर सकें तो नॉर्मली एम मीटर या गलवानम को हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं जिस भी सर्किट में आपने करंट फाइंड आउट करना है आप उस सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं इसको आप सीरीज में किस तरह से कनेक्ट करते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल एक सर्किट है आपके पास जैसे कि आपको नजर आ रहा है आप इस सर्किट को साइड से ब्रेक करेंगे और यहां पर एक एम मीटर अटैच कर देंगे ओके okay? इस तरह से सर्किट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा और जब हम स्विच ऑन करेंगे तो इस सर्किट में से करंट फ्लो होगा और जैसे ही करंट पास करेगा एम मीटर या गलवानो मीटर में से तो वो इजीली मैयर कर सकते हैं गलवानो मीटर जो है ये बेसिकली करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है कि करंट यहां से पास हो रहा है या नहीं तो डिफ्लेक्शन से ये शो कर देगा कि करंट पास हो रहा है बट एम मीटर जो है ये करंट को मैयर कर सकता है और बता सकता है कि करंट कितना मौजूद है क्लियर सो so, हम यहां लिख सकते हैं कि बोत द मीटर्स बोध गैल्वानोमीटर An ammeter connected in series in a circuit for measuring. करंट क्लियर सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज